आज ही गोद भराई का कार्यक्रम था। अपने वैवाहिक जीवन में कदम रखने वाले थे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। सीता द्वार मंदिर में कार्यक्रम था, दोनों पक्ष के लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन जो दूल्हा था वो मिठाई बंधवाने के लिए, मिठाई बुक कराने के लिए किसी काम से कटरा श्रावस्ती चला गया। जैसे ही वो श्रावस्ती नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के पिटारिया पुल के पास पहुंचा, वैसे ही सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी और सड़क हादसे में बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो गई। सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस लड़के की आज मौत हुई है, 1 साल पहले इनके पिताजी की भी सड़क हादसे में मौत हुई थी। तो ये घटना आज शाम के 3, 3:30 बजे के करीब का है। श्रावस्ती नवीन माडन थाना इकोना श्रावस्ती मार्ग, नेशनल हाईवे 730। आप लोग जानते हैं पिटारिया पुल का रिकॉर्ड है कि पिटारिया पुल के पास में जब भी कोई दुर्घटना होती है 90% लोग बचते नहीं हैं। करीब 6 महीने बाद इस पुल के पास में दुर्घटना हुई है। भोलानाथ मिश्रा पुत्र नाथूराम, उम्र करीब 20-22 साल होगी, इनका आज गोद भराई का कार्यक्रम था। लड़की वाले और लड़के वाले सब लोग सीता द्वार में कार्यक्रम करने के लिए इकट्ठा हुए थे और किसी को जानकारी नहीं थी कि जो भोलानाथ मिश्रा है वो इकौना की तरफ आए और इकौना से कटरा श्रावस्ती चले जाएंगे। और किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके से सड़क हादसा हो जाएगा और सड़क हादसे में मौत हो जाएगी। बहुत ही दुखद घटना श्रावस्ती जनपद के नवीन माडन थाना क्षेत्र अंतर्गत। तकरीबन 1 घंटे तक तो पता नहीं चला कि जिसकी दुर्घटना में मौत हुई है ये लड़का कहाँ का रहने वाला है, क्योंकि इतना भयानक हादसा कि जो मोटरसाइकिल है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जो जेब में मोबाइल रखा हुआ था मोबाइल भी टूट गया। किसी तरीके से जब पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हैं, मोटरसाइकिल का नंबर निकाला गया है, तो पता चला है कि ये लड़का इकौना थाना क्षेत्र के सरवनतारा गांव का रहने वाला है। फिर सरवनतारा गांव के प्रधान को फोन किया गया है, तब जाकर के पुष्टि हुई है कि इस लड़के का नाम भोलानाथ मिश्रा है। और मोबाइल उठा करके इनका मोबाइल का जो सिम कार्ड है वो सिम कार्ड किसी दूसरे मोबाइल में लगाया गया है, तब जाकर के पता चला है कि इनका नाम भोलानाथ मिश्रा पुत्र नाथूराम है। उनके घर वालों ने जानकारी दी है कि आज ही मांगलिक कार्यक्रम था, घर में खुशियां थी, दोनों पक्ष के लोग लड़की वाले लड़के वाले सब लोग सीता द्वार मंदिर पर कार्यक्रम करने के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन शायद होनी को कुछ और लिखा था, शायद इनके किस्मत में शादी नहीं लिखी थी और आज ही दुनिया से रुखसत हो गए। तो ये जो रास्ता है इकौना से श्रावस्ती तक, ये नेशनल हाईवे 730, खास करके जो पिटारिया पुल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अभी 6 महीने से तो ज़्यादा सड़क हादसे यहाँ पर नहीं हो रहे, लेकिन पिछले साल की बात करें और उससे पहले 1 साल पहले की बात करें तो लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं, जिन सड़क हादसों में बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। और एक दूसरी बात आपको बता दें कि हमारे यहाँ यातायात नियमों का पालन जो युवा पीढ़ी है वो बिल्कुल ही नहीं करती है। यहाँ अधिकतर लोग देखा जाता है कि हेलमेट ही नहीं लगाते हैं। अगर यातायात नियमों का पालन किया जाए और हेलमेट लगाया जाए, वैसे तो सड़क हादसों को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन खुद का बचाव किया जा सकता है। अगर लोग हेलमेट लगाएं तो हो सकता है कि सड़क हादसे में अगर मान लो वो घायल हो जाते हैं तो उनका अगर हाथ पैर टूट जाता है तो किसी तरीके से प्लास्टर वगैरह बांध करके काम चलाया जा सकता है, लेकिन अगर सिर पर चोट लग गई, सिर का हिस्सा डैमेज हो गया, तो उनको बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल बार बार अपने न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को समझाता है कि आप लोग हेलमेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट अगर आप लोग लगाएंगे तो आपकी ज़िंदगी सुरक्षित रहेगी। और किसी को बेवजह ओवरटेक ना करें, खास करके शराब पी करके भी गाड़ी ना चलाएं, और ज़्यादातर ध्यान रखें कि जो नेशनल हाईवे है बहुत ही ज़्यादा, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे यहाँ का 730, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है, यहाँ पर छुट्टा पशुओं की भी भरमार है। प्रधान जी, अभी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है सरवनतारा गांव बताया जा रहा है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। इनके बारे में आज इनकी गोद भराई सीता द्वार मंदिर पर। अच्छा, आज गोद भराई थी जी, वहाँ हम लोग सब लोग थे और ये बोला था कि यादव के यहाँ हमको मीठा लाने जाना है। वहाँ से आया लड़का, हम सब आशा देखते कि मोबाइल स्विच ऑफ थी, वहाँ से आशा देखते देखते और जब बिल्कुल विश्वास टूट गया कि हो सकता है लंठे के कहीं कुछ काम कर, जब हम यहाँ पहुँचे घर तब संदेश आ गया कि उसका एक्सीडेंट। अच्छा, कितने साल का है ये? तो होगा 24। नाम क्या है? भोलानाथ। भैया आपका सगा भाई है? भैया आपका सगा भाई है। तो आज क्या कार्यक्रम था, शादी थी कि क्या? नहीं सर, आज थी, बहुत भराई थी। अच्छा, हम लोग वहीं पे थे वहाँ सीता द्वार में,
तो ये बोला कि हम जा रहे हैं मीठा लेके आते हैं। हालांकि इसने वहाँ से हम लोगों को बताया नहीं, हम लोग चले आते और ये वहाँ से आया। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद कुछ पता नहीं, इसकी मोबाइल भी स्विच ऑफ थी, तो हम लोग घर वापस चले गए सब लोग। फिर फोन आया कि ये हालत हो गई, एक्सीडेंट हो गया। क्या क्या नाम है इनका? इनका नाम भोला मिश्रा। पिताजी का? श्रीनाथपुरा मिश्रा। बहरहाल बहुत दुखद घटना है। पिछले साल पिताजी की मौत हुई थी सड़क हादसे में, और इस बार लड़के की मौत हो गई। अभी इनकी उम्र कितनी होगी? ज़्यादा 20-22 साल। और इसी जगह पर हम खड़े हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि इस सड़क से कितने लोग गुजरते हैं। 90% लोग हेलमेट लगाना पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए, एक तरफ से बाइक सवार जा रहे हैं, किसी के सर पर आप हेलमेट नहीं देखेंगे। यहाँ के लोग हेलमेट बिल्कुल ही नहीं लगाते हैं, और जो गाँव देहात से लोग चलते हैं वो सर पर गमछा बांध लेते हैं, पगड़ी बांध लेते हैं। देखिए भाई साहब पहुंच रहे हैं, हेलमेट नहीं है। इधर से पहुंच रहे हैं, हेलमेट नहीं है। ये देखो जा रहे हैं, हेलमेट नहीं है। किसी के सिर पर हेलमेट नहीं है। अभी किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, सड़क पर कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हो और उससे टकरा जाए और सिर वह फट जाए, ये देखिए सर पर गमछा बांध कर निकल लिए, इनके लिए बस यही हेलमेट है। इसी जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर यह सड़क हादसा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि 90% लोगों ने यहाँ पर हेलमेट लगाया ही नहीं है। ये देखिए अभी ये जा रहे हैं, अभी किसी जानवर से टक्कर हो जाए और सड़क पर गिर पड़े तो कम से कम इनके सिर का हिस्सा तो बचा रहेगा। हेलमेट लगाने के लिए तो जैसे बिल्कुल लोगों ने कसम खा ली है। देखिए 3 लोग बैठ करके आ रहे हैं, किसी के सिर पर हेलमेट नहीं है। जहां सड़क हादसा हुआ है उसी जगह की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।